तो बकरा ऐसे देख करके हंसा। हंसे क्यों तुम? तो उसकी आवाज मनुष्य जैसी निकली, भैया यही गलती हमने की थी, पुत्र होने के लिए तुम बकरा थे, तुम्हें काटा था, और आज तुम हमें काट रहे हो, तो हंसी आ रही कि कर्म का फल अवश्य भोगने को मिलता है। अवश्य तुम जिसका मांस खा रहे हो वो तुम्हें चीथ चीथ के खाएगा, आज नहीं तो कल, और नहीं तो ऐसे रोड में फैला तुम्हारा मांस फिरेगा कि कोई खाने वाला भी नहीं होगा। देखते हो ना, एक्सीडेंट जो होता है चिथड़ा उड़ जाता है, साहब के पैरों की तरह रौन, वह इसी को सजाया था ना, मांस खा के, या फिर भारी कैंसर, यहां ऑपरेशन, फिर यहां ऑपरेशन, फिर यहां ऑपरेशन, हर तरह का कष्ट जला के राख कर दिए जाओगे, कीमो ये वो नरक यही भोगो पहले, फिर तो जाके ये लोग समझते नहीं। तो कोशिश करें, अगर मन जरा भी स्त्री की तरफ आकर्षण होता है, भोगों में प्रियता है, कदापि वैराग्य मार्ग में कदम नहीं रखना चाहिए, चुपचाप गृहस्थ मार्ग का अनुसरण करते हुए भजन करो, वैसे ही भगवत प्राप्ति होगी जैसे एक संत को होती। और उसमें अगर नाटकबाजी, बेविचार, पाखंड, दम, ये बहुत दुर्गति हो जाती है। वो कहते हैं ना कहावत, भी धोबी का कुत्ता घर न काटता है।